हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम मैथ्स के सेशन में लिखेंगे बिटवीन नंबर्स। बिटवीन नंबर्स यानी कि जो दो नंबर्स के बीच में नंबर आता है उसे हम कहते हैं बिटवीन नंबर्स। ओके, जो टू नंबर्स के बीच में नंबर आता है उसे हम बिटवीन नंबर कहते हैं। आफ्टर नंबर हमने पहले किए, आफ्टर नंबर होते हैं जो किसी नंबर के बाद में नंबर आता है, जैसे वन के बाद टू आएगा, थ्री के बाद फोर आएगा, तो वो आफ्टर नंबर हुए। ओके, बिटवीन नंबर्स हैं जो हमारे दो नंबर्स के बीच में नंबर आता है। ओके, तो हम करते हैं बिटवीन नंबर्स। ये देखिए, वन के बाद क्या आएगा, तो फिर थ्री आ जाएगा। बताइए वन के बाद क्या आता है? यस, टू। ओके, वन के बाद क्या आएगा? टू, और फिर आएगा थ्री। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या आया? टू आया। इसी तरीके से देखिए, फाइव और सेवन है, फाइव और सेवन के बीच में क्या आता है? फाइव के बाद सिक्स। वेरी गुड, फाइव के बाद सिक्स, सिक्स के बाद सेवन। तो ये हमारा इन दोनों के बीच में नंबर आ गया। ओके, अभी इसी तरीके से देखिए, ये है नाइन। क्या है? नाइन। नाइन के बाद क्या आएगा? यस, वेरी नाइस। नाइन के बाद आएगा टेन। नाइन के बाद टेन, टेन के बाद इलेवन। नाइन टेन इलेवन। ओके, ये है, क्या नंबर है ये? फोर्टीन। क्या नंबर है? फोर्टीन। फोर्टीन के और सिक्सटीन के बीच में क्या आएगा? वन फोर। फोर्टीन के बाद वन फाइव, फिफ्टीन, देन सिक्सटीन। ओके, अब वन एट एटीन के बाद क्या आएगा? बताइए, वन नाइन नाइनटीन, देन आ जाएगा टू ज़ीरो ट्वेंटी। ओके, फिर देखिए, टू ज़ीरो ट्वेंटी के बाद क्या आएगा? वन एट एटीन, वन नाइन नाइनटीन, टू ज़ीरो ट्वेंटी। अब टू ज़ीरो ट्वेंटी के बाद क्या आएगा, और ट्वेंटी टू से पहले क्या आएगा? टू वन ट्वेंटी वन। इस तरीके से आपको रेगुलर काउंटिंग बोलनी है। आप काउंटिंग बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या नंबर मिसिंग है। ओके, तो इसी तरीके से देखिए, 20, 21, 22, ठीक है। फिर आगे बोलते हैं 23, 24, 25, फिर क्या आएगा? 26, फिर आएगा 27, तो 2, 6, 26, फिर आया 27, ओके, 26, 27, यस, 27, 28, इसी तरीके से। तो इसके लिए हमें काउंटिंग लर्न करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? काउंटिंग लर्न, हमें काउंटिंग लर्न होनी चाहिए, तब जाके हम ये कर पाएंगे। ओके, तो हमें बिटवीन नंबर्स, आफ्टर नंबर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? काउंटिंग को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आपको काउंटिंग अच्छे से लर्न होनी चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी आराम से कर पाएंगे, चाहे वो आफ्टर नंबर्स हैं, बिफोर नंबर्स हैं, या फिर बिटवीन नंबर्स हैं। ओके, तो 2929 के बाद क्या आएगा? बोलिए, काउंटिंग बोल के देखते हैं हम। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। लेकिन अगर आपको काउंटिंग लर्न होगी ना, तो आपको इतनी लंबी काउंटिंग बोलनी ही नहीं पड़ेगी। फिर आया 31, तो फटाफट से आपको लिखना है अगर, तो आप क्या करेंगे? काउंटिंग को अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए, 30 के बाद क्या आएगा? 29, 30, 31। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 31, 31, फिर आ गया 32। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको बिटवीन नंबर्स करने के लिए पहले अच्छे से काउंटिंग लर्न करनी है, फिर आपको बिटवीन नंबर्स करने हैं। तो इसी तरीके से आपको ये कॉपी में करना है, नोट डाउन कर लीजिए आप इनको अच्छे से। ओके, अच्छे से नोट डाउन करने के बाद आपको ये इसी तरीके से कॉपी में पूरा वर्क करना है और प्रैक्टिस करनी है, तो वन पेज एक्स्ट्रा सेम एज इट इज़ आप कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।